वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुअर मूवी गोवर पे दोस्तों अभी अभी मैंने जी फाइव की लेटेस्ट हिंदी मूवी दोस्तों हल्ला बोल देखी स्टारिंग अमूल पालेकर रिंकू राजगुरु एंड वरुण सोभती इनके अलावा और भी कई सारे कलाकार हैं और भी कई सारे किरदार आपको इस फिल्म में देखने को मिलते हैं लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी बेस्ड है एक सच्ची घटना के ऊपर एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर आपको एक कहानी देखने को मिलती है जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 200 महिलाओं के द्वारा जबरदस्ती कोर्ट के अंदर घुस के एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है एक ऐसा अपराधी जो कि दस दिन से पुलिस कस्टडी में था कोर्ट में उस दिन उसकी पेशी थी लेकिन यहाँ पर अचानक से 200 महिलाएं कोर्ट के अंदर घुसती हैं अपने चेहरे को ढके हुए और हाथों में हर तरह के हथियार लिए हुए मिर्ची पाउडर लिए हुए वो उस अपराधी की बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या कर देती हैं तो आखिर ये हत्या क्यों की जाती है 200 महिलाएं मिलकर एक अपराधी की हत्या क्यों करती हैं और क्या है इस अपराधी के अपराध की कहानी ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जो कि जी फाइव पर उपलब्ध है और एक घंटे पचपन मिनट आसपास में आपको पूरी कहानी बताई गई है अब हम बात करें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म में जो स्टोरी टेलिंग आपको देखने को मिलती है वो स्टार्टिंग से काफ़ी हद तक एंगेजिंग है यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बस इतना बताया जाता है कि दो महिलाओं द्वारा एक अपराधी की हत्या कर दी गई है उसके बाद यहाँ पर आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिशन का थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलता है और उसी के साथ यहाँ पर एक एफएफसी बनाई जाती है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है जिसको हेड कर रहे होते हैं अमोल पालेकर जो कि एक रिटायर्ड जज हैं जो कि पूरी तरीके से ये जो जात पात है ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है इसको इग्नोर करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर और कानून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो विश्वास करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीज़ें कहानी का हिस्सा बनती हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक और इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू एक एक करके आपको काफ़ी कुछ इस अपराधी के बारे में जानने को मिलता है एक्चुअल में जो कहानी है एक्चुअल में जो कारण है कि क्यों इस अपराधी की हत्या की गई वो एंड में जाके आपको पता चलता है तो यहाँ पर जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी हद तक एंगेजिंग है जहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें एक साथ चलती हुई कहानी में नज़र आएंगी कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स नज़र आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि फ़िल्म में एक बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की गई है न्याय का जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर हर कोई ये कहता है कि भैया न्याय सबके लिए बराबर है कानून सबके लिए एक है लेकिन क्या रियलिटी में कानून सबके लिए एक है ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से समझने और जानने को मिलती है दलित बस्ती में किस तरीके से एक अपराधी इतना ज़्यादा अपराध कर रहा था और उस दलित बस्ती के महिलाओं को 10 साल तक इन सारे अपराधों को सहना पड़ रहा था पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी तो ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में काफ़ी हद तक अच्छे से बताने की कोशिश की गई है जो कि इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई एक पॉजिटिव पॉइंट है उसके बाद अब मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको वरुण सोभती नजर आते हैं रिंकू राजगुरु नज़र आते हैं लेकिन उन सबसे भी ऊपर अमोल पालेकर जी आपको यहाँ पर नज़र आते हैं और मैं कहना चाहूँगा कि अमोल पालेकर जी के चलते ही आप इस पूरी फिल्म को देखोगे सिर्फ उन्हीं का जो करेक्टर है उन्हीं का जो किरदार है वो आपको काफ़ी हद तक इम्प्रेस करने में कामयाब होता है उनके अलावा यहाँ पर वरुण सोभती पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैरेक्टर प्ले किया है रिंकू राजगुरु ने ठीक ठाक प्ले किया है लेकिन और भी अच्छा इस किरदार को प्ले किया जा सकता था उसके बाद अब मैं बात करूँ बाकी अन्य सभी कलाकारों के बारे में तो यहाँ पर जो सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिलती है उन सभी का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगा यहाँ पर जैसे कि एक पुलिस वाला देखने को मिलता है और ये दलित बस्ती की कुछ महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं तो उन सभी का काम आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगा अब हम बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पूरी इस एक घंटे पचपन मिनट आसपास की फिल्म में आपको सिर्फ अमोल पालेकर जी का ही किरदार इम्प्रेस करने में कामयाब होता है उनके अलावा यहाँ पर वरुण सोपती रिंकू राजगुरु किसी भी प्रकार का इम्प्रेशन आपके ऊपर नहीं छोड़ पाते जबकि यहाँ पर वरुण सोपती एक बहुत ही जबरदस्त कलाकार हैं आज के समय पर लेकिन उनके किरदार को यहाँ पर कुछ इस हिसाब से पेश किया गया है कि वो किरदार आपको पूरी तरीके से वेस्ट लगेगा साथ ही साथ यहाँ पर रिंकू राजगुरु जो कि मेन लीड एक्ट्रेस हैं इस फिल्म की वो भी पूरी तरीके से इस फिल्म में किसी भी प्रकार का इम्प्रेशन आपके ऊपर नहीं छोड़ पाती हैं उसी के साथ यहाँ पर दोस्तों मैं एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस फिल्म की जो कहानी है वो सच्ची घटना के ऊपर बेस्ड है यहाँ पर आपको कुछ रियल फैक्ट्स भी सुनने को मिलते हैं यहाँ पर जो रियल केस था वो केस था नागपुर का और फिल्म में भी आपको जो कहानी देखने को मिलती है वो बेस्ड है नागपुर में रियल में जो क्रिमिनल था उसके साथ जो लिंचिंग हुई थी उसके ऊपर भी बहत्तर घाव के निशान थे मतलब कि बहत्तर बार स्टैबिंग की गई थी उसके शरीर के ऊपर और फिल्म में भी आपको सत्तर बहत्तर संख्या का जिक्र होता हुआ नजर आएगा तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे रियल फैक्ट्स को रखा गया है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रियल में जो क्रिमिनल था उसका नाम था अक्कू यादव लेकिन फिल्म में उसका नाम बदल के कोई चौधरी चौधरी उसका नाम रख दिया गया है तो यहाँ पर आपको फिल्म में कई सारे रियल फैक्ट्स सुनने को मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ओरिजिनल क्रिमिनल का नेम था उसके नेम को क्यों चेंज कर दिया गया है इसके पीछे का जो कारण है वो कारण मुझको समझ में नहीं आया लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद भी ये जो पूरी फिल्म है आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी बताती है अन्याय की कहानी बताती है और साथ ही साथ ये भी आपको बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से हमारे देश में जो कहा जाता है कि न्याय सबके लिए बराबर है कानून सबके लिए बराबर है लेकिन वो कितना बराबर है कितना बराबर नहीं है ये कहानी आपको ये फिल्म काफी अच्छे तरीके से बताने में कामयाब होती है डाट दोस्तों ये फिल्म डिजर्व करती है कि आप लोग जरूर खाली समय निकाल कर इस फिल्म को एक बार देखें उसी के साथ अगर हम बात करें पैरेंटल गाइडेंस के बारे में तो ये फिल्म आप लोग अकेले में देखना प्रिफर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक किरदार के द्वारा गाली गलोज भी आपको सुनने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको वर्चुअल वे में मर्डर लिंचिंग होता हुआ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रेप से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं जो कि दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करवा सकती हैं अगर आप लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देखोगे तो कुल मिला जुला कर थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार फर दोस्तों हल्ला हो अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है, तो आपको ये फिल्म कैसे लगी क्या आपका रिएक्शन है क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम